हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 300 फीट लंबी चुनरी ओढ़ाकर किया महिला कांग्रेस प्रत्याशी का स्वागत। शहर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी मनीषा पवार का भीतरी क्षेत्र उम्मेद चौक में क्षेत्रवासियों ने 300 फीट लंबी चुनरी उड़ाकर स्वागत किया। इसके लिए सड़कों पर रंगोली मंडवाने के साथ पूरे क्षेत्र को कांग्रेसी झंडों से सजाया गया। इसके अलावा कोर्ट परिसर, नव चौकियां, लायकान मोहल्ला सहित विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क के दौरान जगह जगह मनीषा का उत्साह पूर्वक स्वागत हुआ। प्रत्याशी मनीषा पवार का कार्यकर्ताओं के साथ उम्मेद चौक पहुंचने पर ढोल नगाड़ों और फूलों की बौछार करते हुए जयकारे लगाए गए। स्थानीय निवासी राजपाल राठौड़, राजू आचार्य, मोहसिन खान, कपिल सांखला, अजयपाल राठौड़, टीपू खान, भानु प्रताप, चंद्र प्रकाश राकावत, शैलेंद्र सिंह, विक्रम सोलंकी, संजय गौर सहित अन्य युवा गोकुल निवास से लेकर उम्मेद चौक तक 300 फीट लंबी चुनरी खोलकर खड़े हो गए। युवाओं द्वारा मनीषा पवार को चुनरी ओढ़ाकर पूर्ण रूप से सहयोग करने का आश्वासन दिया। इस दौरान वहां मौजूद सभी धर्म, जाति, संप्रदाय, विशेष वर्ग के बुजुर्ग लोगों ने भी विजयी होने की शुभकामना दी। जनसंपर्क के दौरान मनीषा पवार ने कोर्ट परिसर स्थित सर्वप्रताप प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। यहाँ वरिष्ठ एडवोकेट कन्हैया लाल जांगिड़, मनीष व्यास, अनिल गौड़, इंदु शेखर पारिक, आनंद पुरोहित सहित मनीष बुरठ सहित अन्य के साथ कचहरी परिसर में वकीलों के बीच जनसंपर्क किया। इस दौरान एडवोकेट एसोसिएशन सहित अन्य संगठनों द्वारा भी स्वागत किया गया। जनसंपर्क के दौरान जगह जगह विभिन्न संगठनों और लोगों ने फूल मालाओं से अभिनंदन किया। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।